माय चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं घर पर भी रेस्टोरेंट जैसा उत्पम बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और हेल्दी रहेगा, जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा। जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उनके लिए भी बहुत अच्छा हो, जो वजन कम करना चाहती है उनके लिए भी, और खाने में भी बहुत टेस्टी रहता है। तो मैं चलती हूँ अपनी किचन की ओर, बनाती हूँ शानदार उत्पम। बनाने के लिए हम सबसे पहले उत्पम के लिए घोल तैयार करेंगे। मैंने घोल पहले ही तैयार करके रख लिया, क्योंकि इसके लिए 2-3 घंटे लगते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मेरा उत्पम का घोल तैयार हो चुका है। मैंने उत्पम का घोल कैसे तैयार किया ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए ना मैं 500 ग्राम सूजी और दो तीन गिलास छाछ लिया। उसमें छाछ में इसको घोल दिया, फिर इसमें आवश्यकता अनुसार नमक और आधा चम्मच सोडा डाल दिया। मेरा उत्पम का घोल बिल्कुल तैयार है। अब इसमें एक कटी हुई कद्दूकस कीवी मैंने गाजर ली, इसको काट भी सकते हैं लेकिन गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए मैंने गाजर को कटा हुआ लिया। इसमें मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद मैंने शिमला मिर्च ली एक कटी हुई बारीक, इसको भी मिक्स कर देंगे। फिर मैंने 2 कटी हुई बारीक प्याज लिए, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। फिर मैंने 2 टमाटर लिए छोटे छोटे बारीक काट लिए, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। फिर मैंने 1 कटोरी छिले हुए मटर के दाने लिए, उसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। इससे हमारा उत्पम बहुत अच्छा लगता है। इसमें जितनी सब्जियां डालेंगे उतना हेल्दी रहेगा और बच्चों को भी पसंद आएगा, क्योंकि बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते हैं, इसलिए उत्पम में बहुत सारी सब्जियाँ डाल सकते हैं। अब मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया, इसको भी मिक्स कर दिया। अब मैंने 2 कटी हुई हरी मिर्च ली, इसको भी इसमें मिक्स कर दिया। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। इन सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे लेंगे उत्तम के घोल में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी सब्जी अच्छी तरह से मिक्स हो गई। अब इसमें आधी लाल मिर्च, आधी चम्मच लाल मिर्च डालूँगी और 1 चम्मच धनिया डालूँगी, इसको भी मिक्स कर देंगे। उनका घोल बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। आप तवा रखूँगी नॉन स्टिक, मैंने गैस को चला लिया। इसका गैस किया स्लो रखेंगे, मीडियम, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा मीडियम। अब हम इस पर ऑयल लगाएंगे चम्मच से। मेरे पास इधर ब्रश अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं चम्मच से ही ऑयल लगाऊँगी। तवा को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। मैं इसको उसमें घोल को डालूंगी चम्मच से। इसकी आंच को स्लो कर देंगे। अब आसपास थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। देखिए मेरा उत्तम बन रहा है, कह रहा है कि मेरा उत्तम नीचे से हल्का हल्का सिक गया, इसलिए अब इसको पलटेंगे। उत्तम को पलट दिया, अब थोड़ा और सिक रहा है। मेरा उत्तम बनके तैयार हो गया है। अभी बहुत गर्म है, धुआं निकल रहा है। इसको आप चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों को खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। मेरी रेसिपी कैसी लगी आप बताइएगा। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।